सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दानिश भाई एंड शाहजहाँ भाई, दीनार, मलिक शेरियार फॉर रियली कंसिडरिंग एंड कमिंग टू सी अ फ्लड अफेक्टेड एरिया। एक नॉर्मली होता है कि आप फ्लड अफेक्टेड एरिया के लिए डोनेशन भी देते हैं, मदद भी करते हैं, बट लोग अमूमन खुद नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो बड़े एक बेसिक तरीके से जाते हैं जहाँ यू रियली डोंट नो एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर। पहले तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप लोग इधर आए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, और आप लोगों के साथ जिन लोगों ने मदद की है हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। और अच्छा है आप इन इलाकों में आके अपनी आँखों से देखना भी चाहेंगे कि वो माहौल कैसा है, वो इलाका कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं जहाँ की आप मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान वैसे भी एक बहुत डिप्राइव सूबा है, और डिप्राइव इसलिए नहीं है कि एक तो ये बहुत बड़ा है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो किसी भी लिहाज से इट्स अ वेरी डिजर्टेड एरिया, यानी कि ये बड़ा कोई पानियों से लथपथ और खुशहाल इलाका नहीं है। और फिर यहाँ जितनी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो किसी और सूबे में मिलती हैं यहाँ इसलिए भी कम है कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस, कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर्स दूर हैं, ना इंडस्ट्री है, ना यहाँ ट्रेड है। तो लोगों का जो एक ज़िंदगी बसर करने का तरीका है वो दो तीन चीज़ों पे ही है, और मेजॉरिटी है वो बारानी आबादी करते हैं या किसी ने सोलर ट्यूबवेल लगाया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोलर ट्यूबवेल लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ मालदार हैं, यानी कि गायें, बकरी वगैरह ये पाल के अपना गुजारा करते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स इनके पास पहाड़ी हैं। लेकिन इन सैलाबों में जब लोगों को उनके जानवरों का नुकसान हुआ, ज़मींदारी का नुकसान हुआ, और इनके आप घर भी अभी आप मीडिया से थोड़ा कवर करेंगे तो बड़े बेसिक घर हैं, मिट्टी के घर हैं, और मिट्टी का घर अमूमन आप देखें उस पर अगर कोई 70 या 80 घंटे मुसलसल बारिश हो और फिर 1.5 महीने का पूरा महीना भी ऑन एंड ऑफ बारिश हो तो ये घर बिल्कुल गिर जाते हैं। सो इन सिचुएशंस में जो मदद है आप लोगों की तरफ से, इट्स वेरी मच काउंटेड अगेन वंस एंड ऑल कि आप लोगों का जो ये सैटरडे वेलफेयर के हवाले से जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, आपने इससे पहले भी बहुत काम किया है, मदद किया है, और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप एक विंडो अपॉर्चुनिटी हैं कराची से या पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से और भी लोग होंगे जो करना चाहते हैं। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगा, खुद देखें, खुद असेस करें, खुद ऐसे इलाकों में आएँ, आपको लोकल सपोर्ट भी मिलेगी, आप लोगों को इलाके के लोगों की भी बड़ी मदद मिलेगी, और इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ मिलके हम चाहते हैं कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऐसा बनाएं। आजकल की टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट है, फेसबुक के अकाउंट्स हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि लोग ये महसूस करें कि जी मैंने जो ये हेल्प आउट की है ये कहीं ज़ाया तो नहीं गई है, ये कहीं किसी के अपने जेब में तो नहीं चले गए, ये पता नहीं जेन्युइन लोगों तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है। बट इस मीडिया के तवसुल से जब उनको अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी तो उनका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा और बढ़ेगा और वो फिर और फील भी करेंगे। तो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया एंड बलूचिस्तान एंड द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द फ्लड, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज द पीपल ऑफ दिस पार्ट, नॉट ओनली लसबेला, पीपल हु आर इन बलूचिस्तान, पीपल हु आर इन पाकिस्तान हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, इट्स अ वेरी बिग डेवस्टेशन। दे हैव लॉस्ट देयर हाउसेस, दे हैव लॉस्ट देयर रोड्स, दे हैव लॉस्ट देयर crops, they have lost their animals, their savings. It's a big loss. It's a loss which cannot be repaired. It's कोई अगर ये सोच रहा है कि ये फ़ौरन ठीक हो जाएगा, इस पर वक्त लगेगा, लेकिन हम सब अगर अपनी contributions करेंगे तो government कर सकेगी, लेकिन कितना कर सकेगी, लेकिन हम सब अगर मिलेंगे तो आई थिंक सो एक कार खैर के लिए भी काम करेंगे, और ये हमारी responsibility भी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू a lot.